यू कैन अप्लाई द जॉनसन काटे, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा दे या आपकी एक बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर, वो है जी जॉनसन काटे, तो आप पैसा बनाना चाहते हैं और इवन के आप एक साल जो वहां पे रह के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, आप कुछ भी नहीं है, आपने इसको अप्लाई किया, आपको मिल गया, आप जर्मनी में आ गए, प्रोफेशनल लोग होते हैं। और इसी तरह से जैसे डिजाइनर्स हैं, जैसे ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, वर्क एक्सपीरियंस इसको हम कह सकते हैं, वो काउंट डाउन किया जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग, एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। जॉनसन काटे, व्हाट इज जॉनसन काटे, जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड, हाउ टू अप्लाई जॉनसन काटे, वेयर इज द जॉनसन काटे, विच कंट्री वी कैन अप्लाई द जॉनसन काटे, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द जॉनसन काटे अपॉर्चुनिटी कार्ड, जॉनसन काटे है क्या, कहाँ से मिलता है यह जॉनसन काटे, कौन जॉनसन काटे की डिस्कशन कर रहा है, क्यों जॉनसन काटे की बातें की जा रही है, ये एक डिटेल डिस्कशन चल रही है मार्केट में। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जॉनसन काटे क्या है, ये जॉनसन काटे को अपॉर्चुनिटी जॉब कार्ड क्यों कहा जाता है, ये इमिग्रेशन से क्यों रिलेटेड है, ये जॉब सीकर वीज़ा से कैसे डिफरेंट है, कैसे ये अलग है, इसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना ज़रूरी है और कौन से लोग इस क्राइटेरिया से मीट करते हैं या वो अप्लाई कर सकते हैं इस जॉनसन काटे को। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी किया करें मैक्सिमम लोगों तक, आपकी की हुई शेयर वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे या आपकी एक क्लिक जो आप शेयर करते हैं बहुत सारे लोगों को वीज़ा दिलवाने में हेल्प कर दे और बहुत सारे लोगों को वीज़े की रिजेक्शन से बचाने में भी हेल्प कर दे। और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मुझसे आप बातचीत करना चाहते हैं, अपनी केस डिस्कस करना चाहते हैं, किसी फाइल के प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, देन योर मैसेज विल बी डायरेक्टली इनटू माय इनबॉक्स। और अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, शॉर्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ स्टे इन टच रह सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के थ्रू जो है ना वो हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर, वो है जी जॉनसन काटे। जॉनसन काटे है क्या? सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है। अपॉर्चुनिटी कार्ड इसलिए है कि इसके बारे में बड़ी डिस्कशन आ रही थी कि जी जर्मनी जो है ना वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च करेगा जिसके थ्रू इमिग्रेशन मिलेगी। यस, एग्जैक्टली यही है वो जॉनसन काटे, जिसके थ्रू इमिग्रेशन भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या लॉन्च हो चुका है? एग्जैक्टली जी, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च हो चुका है, ये लॉन्च होने वाला था आज से 2-3 महीने पहले, लेकिन मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था, जैसे ही ये लॉन्च होगा तो देन आई विल बी गेट बैक टू यू। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि ये जॉनसन काटे जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, कौन से यूज़ इसको लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जॉनसन काटे एक इसी तरह से पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जैसे आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इमिग्रेशन नहीं है, ये एक 1 ईयर का वीज़ा होगा। एक 1 ईयर के वीज़े के अंदर आप वहाँ पर मतलब कि जर्मनी में जाके स्टे कर सकते हैं इस जॉनसन काटे के थ्रू, और ये एक्सटेंडेबल भी है फर्दर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब यहाँ पर आपने ये करना है कि आपने जब एक साल के लिए अप्लाई किया, आप जर्मनी में आ गए, आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप जर्मनी में आ जाएं, आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप जर्मनी में आ जाएं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, और इवन के आप एक साल जो वहां पे रह के काम भी कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, वो भी आपको जॉनसन काटे में मिलेगा। ये किस लिए? ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए है, आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स को मेंटेन करने के लिए, आपने अपनी स्टेबिलिटी बनानी है, अपने एक्सपेंसिस के बारे में पे करना है, अकोमोडेशन के हो गए या बाकी दूसरे तीसरे एक्सपेंसिस जो है उनके लिए, तो ये जॉनसन काटे आपको वहां पर सपोर्ट करता है 20 आवर्स पर वीक काम करने के लिए, जो कि जॉब सीकर वीजा आपको सपोर्ट नहीं करता अगर आप जॉब सीकर वीजा के ऊपर होते हैं तो। अब इसमें एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। जो जैसे हम इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं उसका भी एक पॉइंट बेस सिस्टम होता है, इसी तरह से इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें 4 फैक्टर्स को बड़ा इंपॉर्टेंटली और हाईली देखा जाता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं 4 फैक्टर्स। नंबर 1, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें कितनी वो है वो आगे चल के हम बात करेंगे। नंबर 1, एक एज का आपका इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है। सबसे पहले जो है ना वो इस वीज़ा की कैटेगरी के लिए, इस जॉनसन काटे की जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपका एज जो है ना वो देखी जाती है। नंबर 2 के ऊपर जो है ना वो आता है आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, आपका क्वालिफिकेशनल एक्सपीरियंस, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये नंबर 2 के ऊपर आता है। नंबर 3 के ऊपर आपकी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिग्री है, आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आ जाती है। एंड नंबर 4 के ऊपर आपका जो है ना वो आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या हैं, आप किस लैंग्वेज स्किल के मालिक हैं, ये नंबर 4 के ऊपर आ जाती है। अब इस ये जो जॉनसन काटे है,
इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपने आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास कोई वर्क वीज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने इसको अप्लाई किया, आपको मिल गया, आप जर्मनी में आ गए, अब आप आके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ जिस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस होता है आप उसी फील्ड के लिए कोशिश करें, ट्राई करें, तो आपको 110% जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जॉब मिल भी जाती है, क्योंकि आजकल जर्मनी में जो है ना वो शॉर्टफॉल चल रहा है, काफ़ी सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टफॉल चल रहा है, स्किल्स लेबर के स्किल वर्कर के स्किल्स वर्कर जो है ना उनका भी शॉर्टफॉल चल रहा है, और एक लेबर स्किल वर्कर है, लेबर स्किल वर्कर मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जो हाईली पेड लोग होते हैं लेकिन उनका काम जो है ना वो लाइक लेबर्स काइंड ऑफ द वर्क होता है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑयल फील्ड के बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, होते तो वो लाइक बड़े प्रोफेशनल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं लेकिन वो काम लेबर का कर रहे होते हैं, देखने में लेबर का काम लगता है लेकिन वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल लोग होते हैं। और इसी तरह से जैसे डिज़ाइनर्स हैं, जैसे ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड है, तो ये सब लोगों की वहाँ पे शॉर्टेज चल रही है राइट नो जो करंट सिनेरियो है, पर्टिकुलरली आइलैंड फील्ड सेक्टर से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जी एज फैक्टर से और पॉइंट बेस सिस्टम से कि ये पॉइंट बेस जो सिस्टम है ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री है तो ये पॉइंट वन से पॉइंट फोर के अंदर कंसिडरेबल होती है, इसके पॉइंट मिलते हैं आपको 1, 2, 3 या 4 आपको पॉइंट मिलेंगे आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग, प्लस आपकी एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से है, वो फॉरन किसी यूनिवर्सिटी से है, वो आपकी किस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या वर्क एक्सपीरियंस जिसको हम कह सकते हैं वो काउंट डाउन किया जाता है, प्रोफेशनल या वर्क एक्सपीरियंस के जो पॉइंट्स हैं उसके भी 4 पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको अकॉर्डिंगली मिलते हैं। अगर आपने अपने लास्ट 5 ईयर्स में या 6 ईयर्स में या 7 ईयर्स में आपने प्रोफेशनल जो है ना वो प्लेटफॉर्म से काम किया हुआ है और वो एक हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू था और वो एक प्रॉपरली पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म के थ्रू था, तो उसको भी आप अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेडली एविडेंटली पेश करते थे या उसको आप प्रेजेंट करते हैं तो वो भी आपको उसके भी 1, 2, 4 के अंदर पॉइंट्स मिलते हैं। या प्लस इसके बाद आपके पास आ जाता है आपका एज का फैक्टर, एज के आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें जो एज के फैक्टर में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता क्यूरी होती है कि एज कितनी, तो लेस दैन 35 ईयर्स होनी चाहिए, लेस दैन 35 ईयर्स है तो आप इसके लिए फिट है और एलिजिबल है। और इसके अलावा आपको लैंग्वेजेस के आपको स्कोर मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, अगर तो आपको जर्मन लैंग्वेज आती है B1 आपको जर्मन लैंग्वेज लेवल B1 जो है ना वो आपको आता है तो फिर तो इट्स क्वाइट फाइन, लेकिन अगर वो नहीं आता तो इंग्लिश लेवल 2 आपका जो है ना वो होना चाहिए, फिर इसके भी आपके फर्दर जो पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, 4 मेजर पॉइंट्स हैं उनके आगे ये फर्दर पर्टिकुलरली इनका पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसी के बेस के ऊपर ये वीज़ा कंसिडर किया जाएगा। मिलते हैं तब तक एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, स्टे ब्लेस्ड।